हेलो स्टूडेंट, हमारी बात चल रही थी हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में। हमने सर्जिकल ड्रेसिंग पढ़ लिया था, उसमें कॉटन गाज बैंडेज और एडहेसिव टेप्स के बारे में हम पढ़ लिया था। उसके बाद यदि इसी चैप्टर में हम देख लेते हैं तो क्या होगा, उनका फार्माकोपियल टेस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करना, अदर सप्लाईज जैसे आईवी सेट, ई सेट्स, रेल्स, ट्यूब या रिलेस ट्यूब बोल सकते हो आप इसको, और कैथेटर्स और सीरीज, इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। क्या होता है एग्जाम में कभी कभी ये लिखने को आती है। तो हम अभी तक बात कर चुके हैं, यदि हम आपसे बात करेंगे तो हम सर्जिकल फाइबर्स की बात कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंट कॉटन इसमें हो गया, फैब्रिक्स की बात हो गई, फैब्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, इनकी टेस्ट क्या होती है, गॉज क्या होते हैं, बैंडेज क्या होती है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बैंडेज का क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस तरह से हमने क्लासीफाई किया है बैंडेज को, सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं, यूजेस क्या होते हैं, फिर सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हमने बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर इवोल्यूशन ऑफ सर्जिकल। अब यहाँ पर आपको इसे क्वालिटी टेस्ट भी पूछ सकता है और इवोल्यूशन पैरामीटर भी पूछ सकता है। तो हम बात करते हैं कि क्या पैरामीटर है, क्योंकि यदि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ इवोल्यूशन पैरामीटर भी होना चाहिए ना। तो आईपी इंडियन फार्माकोपिया, द इंडियन फार्माकोपिया रिकमेंड्स फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग में एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल जो हम यूज करते हैं उसके लिए इंडियन फार्माकोपिया ने कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस दी है, उसको हम चेक करते हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन, यदि हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे कि ये कॉटन वूल है कि नहीं, ये कॉटन एक्चुअल में है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विथ आयोडिनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन फाइबर्स बिकम पॉइलेट। जब हम जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में थोड़ा सा आयोडीन मिलाकर उसको कॉटन पे अप्लाई करते हैं या कॉटन उसमें भिगोते हैं, तो कॉटन क्या होता है, वाइट से वॉयलेट कलर में हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो कॉटन वूल है। व्हेन एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो ईच फाइबर इज सीन टू बी अ सिंगल सेल अप टू 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। सिंगल सेल में एक एक फाइबर दिखेगा और वो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर लंबा और 40 माइक्रोमीटर विड्थ में दिखेगा आपको। दूसरा, यदि हम कॉटन वूल की कुछ बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से टेस्टिंग की, तो हम बात करते हैं एसिडिटी और अल्कलिनिटी। हम एसिडिटी और अल्कलिनिटी की टेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 15 ग्राम हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉटन ले लिया, उसको 150 ml वाटर में डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व तो होता नहीं, मतलब उसको 150 ml कॉटन लिया 15 ग्राम, उसमें 150 ml वाटर आपने डाल लिया, फिर मेसीरेट करा उसको फॉर टू आवर्स, दो घंटे के लिए इन क्लोज वेसल। क्लोज वेसल में हमने इसको रख दिया, डिकेंट द लिक्विड केयरफुली एंड स्विच आउट द रेसिडुअल लिक्विड। अब जो हमने क्या किया, उसको निकाल दिया और इसको हम बोल सकते हैं फ्रीज, दबा के, अच्छा हमने दबा के वो पानी निकाल दिया। मिक्स देम वेल, फिर इसको हमने मिक्स करा, इसमें से 10 ml हमने दूसरे टेस्ट के सरफेस एक्टिव सब्सटेंस के लिए अलग से रख लिया। अब जो ये पानी बचा है हमारे पास में इन 25 ml फिल्टर्ड एक्सट्रैक्ट, अब इसको हमने क्या करा, हमने पूरा पानी निकाल दिया। अब उसके बाद हमने इसको फिल्टर मेसीरेट कर दिया, मेसीरेट करने के बाद हमने क्या करा, 25 ml अलग लिया और 25 ml अलग लिया, क्योंकि हम एसिडिटी और अल्कलिनिटी की टेस्ट कर रहे हैं। 15 ml वाटर लिया हमने, उसमें क्या ऐड करा, 0.1 ml ऑफ डाइल्यूट फिनोफ्थलिन सॉल्यूशन। फिनोफ्थलिन सॉल्यूशन हम सबने देखा है, तो 25 ml में एक बूंद हमने क्या डाला, फिनोफ्थलिन सॉल्यूशन, और दूसरे 25 ml में हमने क्या डाला, एक बूंद मिथाइल सॉल्यूशन। दोनों ही सॉल्यूशन ने यदि पिंक कलर नहीं दिया, मतलब हमारा टेस्ट पास है, इसमें ना एसिड है ना अल्कली है। यदि ये सॉल्यूशन चेंज होकर पिंक कलर दे देते हैं तो मतलब क्या होता है कि इसमें एसिड या अल्कली है। अब सरफेस एक्टिव है सब्सटेंस की बात कर लेंगे। अब इनटू अ 25 ml ग्रेजुएटेड ग्राउंड ग्लास स्टॉपर सिलेंडर प्रीवियसली रिंस विद द सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय वाटर। आपने 25 ml का एक ग्राउंडेड ग्लास सिलेंडर लिया है, उसको पहले आपने सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश किया, उसके बाद डिस्टिल वाटर से जो 10 ml हमने एक्सट्रैक्ट बचाया था वो इसमें डाल दिया, फिर उसको हमने काफ़ी स्पीड से शेक किया और एक मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद फिर हमने 30 बार इसको शेक किया, फिर 5 मिनट के लग गया, फिर क्या होगा, द हाइट ऑफ द फोर्थ डोज नॉट एक्सीज 2 मिलीमीटर अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड से 2 मिलीमीटर से ज़्यादा सरफेस नहीं आना चाहिए। अब फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस की बात कर ले, एग्जामिन अ लेयर अबाउट द 5 मिलीमीटर इन थिकनेस अंडर द यूवी लैंप यूजिंग अ मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 365 नैनोमीटर। 365 नैनोमीटर पे हम इसको देखेंगे तो क्या देगा,
ब्राउनिश वायलेट फ्लोरोसेंस देखा, तो फ्लोरोसेंस दे दिया, तो और कुछ येलो पार्टिकल रहेंगे, नॉट मोर देन फ्यू आइसोलेटेड फाइबर शो इन एन इंटेंस ब्लू फ्लोरोसेंस, बहुत कम जो रहते हैं वो देंगे ब्लू फ्लोरोसेंस, कुछ येलो पार्टिकल्स होते हैं, पर इसमें यदि हम इसको 365 नैनोमीटर पे देखेंगे तो क्या होगा, हमको किस कलर के, ब्राउनिश वायलेट कलर के फ्लोरोसेंस दिखेंगे, मतलब आपका कॉटन प्योर है। कलरिंग मैटर की बात कर लेंगे, भाई इसमें कोई कलरिंग मैटर तो इस किसी ने नहीं डाला है, तो 10 ग्राम इन अ नैरो परकोलेटर, एक परकोलेटर में 10 ग्राम हम ले लेंगे अल्कोहल के साथ, 50 ml उसमें इथाइल अल्कोहल डाल लिया, ठीक है। पुअर द लिक्विड इन टू द कलरलेस ग्लास सिलेंडर, कलरलेस ग्लास सिलेंडर में इसको डाल दिया, एग्जामिन 20 सेंटीमीटर लेयर अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड में आपने इसको देखा, पीछे बैकग्राउंड वाइट रहेगा, उसमें फिर हम देखेंगे तो वेरी फेंट येलो टिंग में भी ऑब्जर्व बट नो ब्लूइश ग्रीनिश टिंग इज अपीयर, बहुत हल्का सा आपको देखने को क्या मिलेगा, येलो कलर का एक लाइनिंग दिखेगी, ब्लूइश और ग्रीनिश लाइनिंग नहीं दिखेगी। अब वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस की बात करने हैं कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कितना है, तो ये 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 ग्राम आपने कॉटन लिया, 500 ml में रख के उसको 30 मिनट तक बॉईल कर लिया, इसको बीच बीच में आप स्टीर करते रहे। अब इस पानी को आपने क्या कर दिया, इवोपरेट कर दिया है, किसके कारण, गर्म करके, ठीक है। डिकेन द लिक्विड इन टू अ बीकर, अब जो लिक्विड बचा है उसको किसमें का, जो बचा है उसको किसमें, एक बीकर में लिया, फिर उसको अच्छे से दबाया। अब रेसिड्यूअल लिक्विड फ्रॉम द मटेरियल केयरफुली विद द ग्लास रॉड निकाल दिया, मिक्स द लिक्विड एंड फिल्टर द एक्सट्रैक्ट, अब इसको सबको मिक्स करा और जो एक्सट्रैक्ट है उसको फिल्टर किया जब तक गर्म है। अब इसको 400 ml पर इवोपरेट करा और ड्राई करा और इसका वेट कर लिया, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको आप 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको गर्म किया। ईथर सॉल्युबल सब्सटेंस की बात कर लेंगे, नॉट मोर देन 0.5%, ये भी नॉट मोर देन 5% होना चाहिए। 5 ग्राम लेंगे, इसमें ईथर में इसको कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एपरेटस में, सॉक्सलेट एपरेटस में हम देखे ही होगा अपने, सॉक्सलेट एपरेटस में इसको 4 घंटे के लिए हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो ईथर रहेगा उसको इवोपरेट कर देंगे, जो रेसिड्यू बचेगा उसको हम वेट कर लेंगे, वे कर लेंगे, तो पता आ जाएगा कि कितना इसमें है। सल्फेटेड, सल्फेटेड इसकी बात करेंगे तो ये भी 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे, या तो हम सिलिका और प्लेटिनम से बनी क्रूसिबल को गर्म करेंगे रेडनेस होने तक 10 मिनट तक, फिर इसको ठंडा कर देंगे एक डेसिकेटर में, डेसिकेटर में ठंडा करने का हमने इसका वेट कर लिया, 1 से 2 ग्राम इसमें सब्सटेंस डाला एक्यूरेटली वेट, इसके बाद इस क्रूसिबल को हमने वेट कर लिया और जला दिया, जलाने के बाद फिर क्या हुआ, इग्नाइट करा जो हमारे मफल फर्नेस है उसमें रख दिया, तो उससे क्या हो गया कि जो इसमें अंदर कॉटन था 1 या 2 ग्राम जो आपने लिया है वो जल गया। अनटिल द सब्सटेंस इज थरोली चार्ड, मतलब बिल्कुल जल ना जाए, कूल एंड मॉइस्चर द रेसिड्यू, कूल कर लिया और उसको मॉइस्चर कर दिया विद 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाल दिया, हीट जेंटली अनटिल वाइट फ्यूम्स आर नॉट लॉन्गर इवोल्यूटेड एंड टिकलिंग, 800 डिग्री पे आपने इसको गर्म करा प्लस माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक कि ब्लैक पार्टिकल ना आए और वाइट फ्यूम्स खत्म ना हो। अब कंडक्ट द इग्निशन इन अ प्लेस प्रोटेक्ट फ्रॉम एयर करंट, अलाउ द क्रूसिबल टू कूल, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट, इग्नाइट इट बिफोर अलाउ टू कूल एंड वेट, रिपीट द ऑपरेशन अंटिल टू सक्सेसिव वेट डू नॉट डिफर मोर देन 0.5 mg, इसको हम बार बार करेंगे, उसके फ्यू ड्रॉप उतने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसके बाद उसको पूरा ब्लैकिश हो गया, उसको गर्म करा ठंडा करा, अब जो वेट वेरिएशन आ रहा है वो 0.5 mg से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, हम 2 टेस्ट बार बार करेंगे। अब लॉस ऑन ड्राइंग, लॉस ऑन ड्राइंग की यदि हम बात कर लेंगे तो क्या होगा, नॉट मोर देन 8% डिटरमाइंड ऑन द 5 ग्राम बाय ड्राइंग इन ओवन एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि 105 डिग्री पर आप इसको ओवन में गर्म करते हैं 5 ग्राम कॉटन को, तो ये 8% से ज़्यादा लॉस नहीं आना चाहिए। लॉस ऑन ड्राइंग इज द लॉस इन वेट इन पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर में जितना लॉस होता है वेट का, वेट बाय वेट डिटरमाइन द प्रोसीजर गिवन बिलो, एक ग्लास स्टॉपर शोलो वाइट बॉटल दैट हैज बीन ड्राई टू 30 मिनट, 23 मिनट के लिए ड्राई करा, उसके बाद उसका वेट लिया, फिर क्या हो गया, पुट द सैंपल इन द बॉटल, बॉटल में हमने सैंपल रखा, कवर इट एंड एक्चुअली वेट द बॉटल एंड द कंटेंट्स, अब इसका वेट कर लिया हमने तो टोटल वेट आ गया हमारे पास, कवर इट
एंड एक्यूरेटली वेट द बॉटल एंड कंटेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट द सैंपल एज इवेंटली पर्टिकुलर बाय जेंटली साइड वाइज शेकिंग टू द डेप्थ नो एक्सीड 10 mm। अब आप इसको शेक करेंगे तो सब दूर फैल जाएगा। प्लेस द रोटेटेड बॉटल इन द सिलेंडर चेम्बर ओवन और डेसिकेटर, या तो ओवन या डेसिकेटर में रखा इसको, रिमूव करा, लीव इस आल्सो टू चेम्बर, ड्राई द सैंपल फॉर द टाइम स्पेसिफिक इन मोनोग्राफ और कंटेंट वेट द प्रिस्क्राइब टेम्परेचर। टेम्परेचर पे फिर हमने देखा और उसके बाद जो डिफरेंस आया उसको चेक कर लिया। अब एब्जॉर्बेंसी की बात कर लेते हैं। एब्जॉर्बेंसी क्या होती है? टेस्ट फॉर शिंकिंग टाइम, वे द ड्राई सिलेंडर कॉपर वायर बास्केट टू द नियरेस्ट सेंटीग्राफ, टेक फाइन प्रोपोर्शन ऑफ ईच ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 gram फ्रॉम डिफरेंट प्लेस इन द सैंपल, पैक क्लोजली द बास्केट एंड वे द पैकेट बकेट टू द नियरेस्ट सेंटीग्राफ, होल्ड द बास्केट इन द हॉरिजॉन्टल पोजिशन एंड द ड्रॉप इट फ्रॉम अ हाई ऑफ अबाउट 10 mm इन टू वाटर एंड 20 cm कंटेंट इन द बीकर एट लीस्ट 12 cm इन डायमीटर एंड फील्ड द डेप्थ टू द 10 cm। मेजर विद द स्टॉप वॉच इज द टाइम टेकन बाय द बास्केट टू श्रिंक बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर, रिपीट द प्रोसीजर ऑन द फर्दर सैंपल्स एंड कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, एब्जॉर्बिंग कॉटन वुल रिक्वायर्स नॉट मोर देन 10 seconds। अब श्रिंकिंग टाइम हम देखेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग चेम्बर में हम इसको डिवाइडेड कर लेंगे 12 cm के, है ना। उसके बाद डेप्थ जो रहेगी उसकी 10 cm, इसमें ड्रॉप वाइज हम इसमें वाटर गिराएंगे। उसके बाद हम इसका क्या देख लेंगे, एब्जॉर्बेंट कॉटन की जो देखेंगे हम 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की यदि हम बात कर लेंगे तो वह वाटर हैंडिंग आफ्टर द श्रिंकिंग टाइम हैज बीन रिकॉर्डेड, रिमूव द बास्केट फ्रॉम द वाटर, वाटर से हमने बास्केट निकाल ली, अलो द ड्रेन टू 30 सेकंड के लिए हमने ड्रेन करने के लिए रख दिया हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रख दिया तो ड्रेन होता रहेगा, ट्रांसफर इट टू टेड बीकर एंड वेट टू द नियरेस्ट सेंटीग्राम, नियरेस्ट जो सेंटीग्राम है आपके उसमें वेट कर लिया, कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर रिटेंशन ऑफ द सैंपल। आपने स्टार्टिंग में सैंपल वेट करा था, वेट करने के बाद आप उसने श्रिंक कर लिया, श्रिंक करके जिसमें पानी था उसके बाद हमने उसको निकाल दिया, उसके बाद फिर भी उसमें कितना बचा है, ये 2 gram से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कैथेटर्स की। कैथेटर्स आर यूज टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द पेशेंट हु आर अनेबल टू वॉइड नेचुरली और वेयर इनकंटिन्यूस पार्ट ऑफ द यूरिनर्स आर इनएडिक्वेट। अब क्या हो गया, यदि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, वो यूरिनल तक जा नहीं सकता, कुछ उसका ऑपरेशन हुआ या कुछ हुआ, तो वहाँ पर हम कैथेटर्स यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल कैथेटर्स आर अवेलेबल। जो कैथेटर्स होते हैं वो या तो फ्लेक्सिबल होंगे या नॉन फ्लेक्सिबल, दोनों तरह के होते हैं। द फ्लेक्सिबल सॉफ्ट रबर टाइप्स ऑफ कैथेटर्स कॉमनली प्रेफर्ड इन बोथ मेल एंड फीमेल पेशेंट्स। जो रबर के कैथेटर्स होते हैं फ्लेक्सिबल, उनको जनरली मेल एंड फीमेल के लिए दोनों के लिए यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल सॉफ्ट रबर कैथेटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रबर ट्यूब्स के बने होते हैं विथ अ क्लोज्ड सॉलिड टिप जो उसकी जो रहेगी वो क्लोज रहेगी और सॉलिड रहेगी। एट वन एंड इट इज फनल शेप्ड, एक एंड में ये फनल शेप्ड रहते हैं, ओपनिंग टू द फैसिलिटेट अटैचमेंट टू द कैथेटर टू द ग्लास जंक्शन और अनादर ट्यूब द लीडिंग टू द कलेक्शन ऑफ यूनिट। एक तो ग्लास जंक्शन पे फिट होगा और एक कलेक्शन के लिए फिट होगा। एट द इंसर्टेड एंड इज वाइड ओपनिंग विच लीड्स टू द चैनल थ्रू विच यूरिन फ्लो टू द कलेक्शन यूनिट। दिस टाइप ऑफ कैथेटर इज रिफर्ड टू एज ए स्ट्रेट कैथेटर इन कॉन्ट्रैक्ट टू द रिटेंशन कैथेटर विच इज डिजाइन टू रिमेन द यूरेथ्रा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या रहते हैं, स्ट्रेट कैथेटर रहते हैं और ये इसका कलेक्टर जो रहता है जिसमें कलेक्ट करते हैं वो दूसरा रहता है। और कुछ रिटेंशन कॉन्सेप्ट टू रिटेंशन कैथेटर विच डिजाइन टू रिमेन द यूरेथ्रा और लॉन्ग पीरियड टाइम, कुछ दूसरे हैं जो लंबे समय तक रख सकते हैं, रिटेंशन कैथेटर्स बोलते हैं इसको। बोलते हैं हम रिटेंशन कैथेटर्स आर कॉमनली नोन एज बलून कैथेटर्स, इनको हम बलून कैथेटर्स भी बोलते हैं। द बलून कैथेटर्स आर डिजाइन इन सच अ वे दैट द कैथेटर टिप रिमेन्स विद इन द पेशेंट ब्लैडर, देर आर टू चैनल्स। अब इसमें क्या होता है, जो बलून कैथेटर होते हैं इसमें क्या होगा कि जो है जो उसकी टिप है वो कहाँ रहेगी, पेशेंट की यूरेथ्रा में, है ना, पेशेंट ब्लेडर सॉरी ब्लेडर रहेगी। दे आर टू चैनल्स, वन फॉर द पासिंग ऑफ द यूरिन, पहला पासिंग ऑफ यूरिन, अनदर ऑफ द इंजेक्शन ऑफ स्टेराइल वाटर विच इन्फेंट्स इन्फ्लेट्स द बलून, दूसरा वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए रहता है। द इंसर्शन ऑफ कैथेटर इज डेंजरस प्रोसीजर एंड इट इज हैंडल बाय फिजिशियन एंड ट्रेनर्स।
या तो फिजिशियन या ट्रेन नर्स के थ्रू ही कराना चाहिए और किसी से इंसर्शन नहीं कराना चाहिए। सीरियस इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर में डैमेज टू द यूरेथ्रल और ब्लैडर टिश्यू में रिजल्ट फ्रॉम द इम्प्रॉपर इंसर्शन। इम्प्रॉपर यदि इंसर्शन हो गया तो वो ब्लॉक या टिश्यू जो रहेंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। ये आपका हो गया कैथेटर, ये इस तरह से रहते हैं, ये आपके बलून कैथेटर आप देख सकते हैं। आईवी सेट्स हमने सबने देखा होगा कि जिसको भी ड्रिप लगी होगी, जो बोलते हैं हम NSDNS की बॉटल जो रहती है सिरिंज के थ्रू लगाते हैं, उसको हम आईवी सेट बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स यूज टू डिलीवर फ्लूड इंट्रावेनस आर स्टेराइल पायरोजन फ्री एंड डिस्पोजिबल। ये डिस्पोजिबल होना चाहिए और स्टेराइल और पायरोजन फ्री होना चाहिए। दे हैव सर्टन बेसिक कंपोनेंट, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं आईवी सेट्स में। दीज इंक्लूड अ प्लास्टिक स्पाइक टू पर्च द रबर क्लोजर और प्लास्टिक सील्स ऑन द आईवी कंटेनर, अ ड्रिप चेंबर टू द ट्रैप एयर एंड परमिट एंड टू परमिट एडजस्ट फ्लो रेट ऑफ द लेंथ। लेंथ आपने एक आईवी सेट पूरा देखा होगा मैं ये इस तरह का। अब इसमें यह क्या होगा, ये एयर के लिए भी रहता है, ये यहाँ पे आप रेट एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर प्लग कर सकते हैं, इसको हम आईवी सेट कहते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ होता है एट द टिप ऑफ द पोर्ट ऑफ रिजिड निडल। इसके जो जो पोर्ट है ये टिप ये रिजिड रहती है, क्योंकि इससे क्या होता है हम बॉटल में पंचर करते हैं और उसके बाद इधर निडल लगता है, ये आपने देखा होगा। सिंस द गम रबर पोर्ट द सेल्फ सीलिंग एडिशनल मेडिकेशन कैन बी एडेड टू द आईवी सिस्टम दिस पोर्ट ऑफ एंट्री। अब फॉलोइंग प्रोसीजर इज एडॉप्टेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आईवी फ्लूड। आईवी फ्लूड को एडमिनिस्टर कर रहे हैं यदि आप, तो ये प्रोसीजर जनरली यूज करते हैं। द स्पाइक एडेप्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सेट इज इंसर्टेड इन द स्टॉपर और सील ऑफ द आईवी कंटेनर। ठीक है, अब जो हमारा जो स्पाइक वाला पार्ट है, जो मैंने हार्ड पार्ट बताया था, उसको हम क्या करेंगे, आईवी कंटेनर में हमने इंसर्ट कर दिया। द आईवी फ्लूड इज हंग ऑन अ स्टैंड एट बिसाइड द एयर इन प्लग्ड फ्लो द एडमिनिस्टर सेट द ओपनिंग क्लैंप यूज्ड फ्लूड कम इन टू आउट द निडल द टेम्बलिंग इज द क्लैंप ऑफ। अब क्या होता है, हमने वो जो स्टैंड है स्टैंड पे उसको हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से आएगा, फिर हम इसमें क्या करेंगे, एयर निकाल देंगे। जनरली आपने देखा होगा द वेनी पंक्चर इज मेड बाय मेंबर्स ऑफ फिजिशियन और नर्स। फिर क्या होगा, आपका जो वेन है पेशेंट का, वेन में हम इसको लगाएंगे तो वेन को पंक्चर करेगा कौन, फिजिशियन या नर्स। द इन्फ्यूजन रेट इज एडजस्टेड बाय स्लोली ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्लैंप यूनिट द डिजायर्ड रेट ऑफ ड्रॉप व्यूड इन द ड्रिप चैम्बर ऑब्टेंड। द यूजुअली रनिंग टाइम इज 4 to 8 hours। अब जब रेट हमको किससे करना है, इससे रेट एडजस्ट करते, जब रेट एडजस्ट कर लेंगे हम तो क्या होगा, ये यहाँ पर रोलर क्लैंप से हम क्या करेंगे, रोलर क्लैंप से हम रेट एडजस्ट कर लेंगे। जनरली 4 to 8 hours लगते हैं। ये आईवी सेट है, इसके बारे में यदि आपसे पूछते तो इस तरह से आप बता सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे पिग्गी बैग मेथड होता है। पिग्गी बैग मेथड मतलब द पिग्गी बैग मेथड रिफर्स टू द इंटरमिनेंट इंटरवेनस ड्रिप ऑफ अ सेकंड सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन भी इसमें साथ ही साथ हमको ऐड करें थ्रू द वेनी पंक्चर साइट ऑफ द एस्टेब्लिश प्राइमरी आईवी सिस्टम। पिग्गी बैग मेथड को तभी हम बोलेंगे जब एक बार एक आईवी सेट कुछ लगाए उसमें हमने साथ ही साथ दूसरा भी कोई आईवी सॉल्यूशन हमको पेशेंट को देना है। विद दिस सेट ऑफ ड्रग कैन बी प्रोड्यूस एज एंटरिंग इन द वेन टू टॉप ऑफ द प्राइमरी आईवी फ्लूइड, हेंस द डिजिग्नेशन पिग्गी बैग इज द पिग्गी बैग टेक्निक्स नॉट ओनली एलिमिनेट्स द पीक ब्लड लेवल्स विद इन द रिलेटिव शॉर्ट टाइम स्पैन, यूजुअली 30 to 60 minutes ड्रग ड्यूरेशन एंड इरिटेशन। अब क्या होगा, इसके बीच में हम 30 to 60 minutes के लिए, अभी कभी कभी बीच में एक इंजेक्शन देना रहता है, ये होती है पिग्गी बैग मेथड। ये आपका एक बॉटल चल रहा है, ये जो बॉटल चल रहा है उसमें प्राइमरी सेट है, सपोज करो ये आपका नॉर्मल सलाइन चल रहा है। अब नॉर्मल सलाइन या कुछ आपका डीएनएस चल रहा है, कुछ भी ये चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। अब इसी की जगह पे आपको क्या करना है, एक इंजेक्शन कोई सा लगाना है। तो इंजेक्शन लगाएंगे तो आप इसमें डिजोल्व करा 100 ml में, ये हमेशा पिग्गी बैग वाला जो आपका बॉटल है वो ऊपर रहेगा इसके कंपेयर में, और यहाँ से स्टार्ट हो गया इस तरह से ये लग जाएगा। अब सिरिंज हम लोगों ने देखी है, सिरिंज होती क्या है, सिरिंज आर इंस्ट्रूमेंट मेंट फॉर इंजेक्शन ऑफ पेरेंट्रल प्रिपरेशन इनटू द बॉडी और इट्स कैविटी। बॉडी और इट्स कैविटी में क्या हो गया, हम किसकी कैविटी में जब हमको पेरेंट्रल ड्रग देना है तो वो किसके थ्रू दे सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन इनटू वेरियस कैटेगरी।
अब ये अलग अलग हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे हाइपोडर्मिक सीरेंज और बल्ब सीरेंज। अब हाइपोडर्मिक सीरेंज क्या होती है, हमने बहुत सारी सीरेंज देखी है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है सीरेंज कैसी कैसी होती है। दिस सीरेंज आर यूज टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन सब्सिक्वेंटली और इंट्राडर्मली। हाइपोडर्मिक सीरेंज क्या होती है, सबक्यूटेनियसली आप इसको दे सकते हो और इंट्राडर्मली इसको यूज करते हैं, इंट्रावेनस यूज करते हैं और इंट्रा मस्कुलरी यूज करते हैं। जो हाइपोडर्मिक सीरेंज होती है उसको इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मा, इंट्रामस्कुलर इस तरह से हम यूज करते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइपोडर्मिक सीरेंज इज टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास बैरल थ्रू विच अ केयरफुली फिटेड ग्लास प्लंगर पास एंड द नीडल अटैचमेंट विद द पर्सेस द स्किन। अब क्या हो गया, इसमें क्या होता है, आपके पास एक ग्लास बैरल है, उसी के अंदर प्लंगर है, उससे हम प्रेस करते हैं और जो नीडल होती है वो बॉडी के अंदर होती है, जिससे जो है जो हमारा ड्रग है वो बॉडी के अंदर चले जाए। अब हम इसको क्लासिफाई करते हैं नॉन डिस्पोजिबल और डिस्पोजिबल सीरिंज में। जनरली आजकल डिस्पोजिबल सीरिंज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जब से कम्युनिकेबल डिसीज जो ज़्यादा आई है, एड्स और सिफिलिस का जहाँ से ज़्यादा चांसेस है, तब से डिस्पोजिबल सीरिंज पर ज़्यादा फोकस हो गया है। अदरवाइज पहले आप देखते हैं नॉन डिस्पोजिबल सीरिंज सबसे ज़्यादा रहती है। कभी आपने देखा होगा कि ग्लास सीरिंज होती थी, रिकॉर्डेड और नायलन सीरिंज। अब हम बात करते हैं डिस्पोजिबल सीरिंज। डिस्पोजिबल सीरिंज क्या होती है, डिस्पोजेबल सीरिंज आर मेंट फॉर यूज ऑफ द वन ओकेशन ओनली एंड आर मोस्ट ऑफन मेड फॉर द ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टाइरीन के बनी होती है, केवल एक टाइम के लिए यूज होती है। द प्लंगर इज ऑफ द व्हाइट ओपेक्यू वेराइटी ऑफ द सेम मटेरियल। प्लंगर जो हम देखते हैं पीछे से उसको शक करते हैं और प्रेस करते हैं, वो क्या होता है, सेम मटेरियल का बना होता है। एट द एंड ऑफ द प्लंगर इज अ रबर ग्रूमेटेड दैट आर हैव बीन ट्रांसमिटेड द विद अ सिलिकॉन। अब ल्यूर सीरिंज क्या होती है, आर कंप्रेसिव एक्सपेंसिव एंड मोर एक्यूरेट इन द मेजरिंग। मेजरिंग जो होती है इसकी बराबर होती है, ये एक्सपेंसिव होती है। अब द लीस्ट टाइप ऑफ ल्यूर सीरिंज हैज बी अंडरगोज द ग्लास बैरल विद द फिटेड ग्राउंड ग्लास प्लंगर। ग्लास की बनी होती है और ये इसकी। अब आप देखो कुछ इस तरह की काफ़ी सारी हमने देखी है। ग्लास सीरिंज ये सबसे पहले स्टार्टिंग में चलती थी, ये क्या होती थी, नॉन डिस्पोजिबल होती, गर्म पानी में आप देखते थे ना डॉक्टर इस तरह से करा करता था। दूसरा है क्या, क्या रिकॉर्ड सीरिंज, इस पर रिकॉर्ड रहता है। नायलॉन सीरिंज कुछ इस तरह की रहती है और ल्यूरल सीरिंज इस तरह से। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के सीरिंज हो गया है। अब रिलेस ट्यूब, रिलेस ट्यूब क्या होता है, इट इज द अबाउट अ मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर के लगभग लंबी होती है। रेड रबर और सिंथेटिक ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग, या तो ये रेड कलर की रबर की होती है या सिंथेटिक ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है। द टिप ऑफ द ट्यूब इज ब्लंट विथ अ लीड शॉर्ट इनसाइड। लीड शॉर्ट इनसाइड होता है, ये ब्लंट होती है, इसमें क्या होती है, नुकीली नहीं होती। द लीड शॉर्ट एट द टिप ऑफ फैसिलिटेट द पासिंग डाउन टू द ट्यूब इन टू द ईसोफेगस। अब क्या होता है, इसको हम ईसोफेगस में डालते हैं। सेकेंडली द लीड शॉर्ट मेक्स टू द टिप टू द ट्यूब विजिबल टू एक्सरे। ये क्या होता है, अब इसमें लेट जब रहता है तो ये क्या होता है, एक्सरे के लिए विजिबल रहती है। दिस हेल्प इन द नोविंग द एक्सट्रैक्ट पोजिशन ऑफ ट्यूब। इससे क्या होता है कि जब आपने एक ट्यूब डाला किसी को फेगस में, तो उससे क्या एक्सरे जब आपने निकाला तो आपको पता रहेगा कि ये ट्यूब एग्जैक्टली है कहाँ है। वंस इट हैज बीन पास्ड इन देयर आर नंबर ऑफ साइड होल्स प्रेजेंट नियर द एंड ऑफ द ट्यूब्स। जैसे ही अंदर पहुंच जाती है ट्यूब के पास बहुत सारे साइड होल्स रहते हैं। द बॉडी ऑफ द ट्यूब हैज गोट अ मिनिमम ऑफ 3 ब्लैक सर्कुलर मार्किंग ओवर इट। 3 ब्लैक सर्कुलर इसके ऊपर रहते हैं। द फर्स्ट मेक नियरेस्ट फ्रॉम द टिप 40 सेंटीमीटर, जो सबसे पहले टिप के पास रहता है। वेन द प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोज इंडिकेट दैट द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब इज लेयरिंग एट द गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन इन एन एडल्ट पेशेंट। यदि इसका एक टिप नोज के पास आ गया तो मतलब वो जो पॉइंट है वो नोज के पास आ गया, मतलब दूसरा जो पॉइंट है वो एंड पॉइंट पे है, गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन जो है एडल्ट का वहां पर पहुंच गया। ये इस तरह से नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, यहां से आपने डाला ईस्टर्न। जय जनरली क्या होता है, पेशेंट को जो पेशेंट फीड में जिसको प्रॉब्लम होती खा नहीं सकता, या गले की कोई सर्जरी हुई है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि वो खाना नहीं ले सकता, तो यहां से हम इसको
खाना देते हैं, ये फीड सीरिंज होती है, इसको रेल्स ट्यूब को हम इसलिए यूज करते हैं। द सेकेंड सर्कुलर मार्क लेइंग एट द 50 सेंटीमीटर, जो दूसरा सर्कुलर मार्क रहता है वो 50 सेंटीमीटर पर रहता है लोअर एंड पे। मार्क टू सर्कुलर ग्रोव्स, दो रहते हैं। अब इसका यूज क्या हो गया, फीडिंग इज डन विद द दिस ट्यूब, फीडिंग हो जाता है टू रिमूव पॉइजन फ्रॉम स्टमक। अब पेशेंट ने पॉइजन ले लिया तो ये ट्यूब वहाँ चली गई, फिर इस ट्यूब के थ्रू स्टमक से हमने पॉइजन निकाला। टू डू गैस्ट्रिक लावेज वॉशिंग द KMnO4 सॉल्यूशन, अभी आपने ये डाल दिया उसके बाद आप इसमें से जो फीडिंग मशीन उसमें KMnO4 देगा, जिससे क्या होगा गैस्ट्रिक लावेज हो जाएगा, मतलब गैस्ट्रिक वॉशिंग हो जाएगी यदि किसी पेशेंट ने क्या ले लिया पॉइजन। टू शक आउट गैस्ट्रिक जूस इन डिफरेंट सर्जिकल केस, यदि गैस्ट्रिक जूस और आपको सर्जरी करना ज़्यादा है तो उसको निकालने के लिए भी ये पाइप का हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इस तरह से सीरिंज पढ़ी थी, यहाँ पर एक चीज़ छूट गई थी हमारी, हाइपोडर्मिक सीरिंज। हाइपोडर्मिक सीरिंज इज ऑलवेज द प्लंगर टाइप, प्लंगर टाइप की होती है, कैरेक्टराइज बाई द टाइप ऑफ पिस्टन, पिस्टन रहता है 1 सेंटीमीटर कैपेसिटी का, 2 ml से 50 ml कैपेसिटी की होती है। ये दो तरह की आपने सीरिंज देख ली, हाइपोडर्मिक सीरिंज क्या होती है सीरिंज के बारे में आप लिख सकते हो। बल्ब सीरिंज हम बात कर रहे थे, बल्ब सीरिंज में क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है, नेजल सीरिंज होती है और एक ईयर सीरिंज होती है। ये जनरली इस तरह से, ये प्लंगर सीरिंज हो गई हमारी नॉर्मल, अब ये क्या हो गया, ये बल्ब सीरिंज, इस तरह से बल्ब रहता है। जनरली कभी कभी क्या होता है आपका ईयर या नोज में कुछ पक गया या कुछ इस तरह से हो गया कि वहाँ पर घाव हो गया, तो उस घाव को और उस ब्लड को या उस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, इसको इंसर्ट करा और बल्ब को छोड़ दिया, तो क्या होगा जितना भी एक्सेसिव मटेरियल है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम रेल्स ट्यूब की बात कर ही चुके हैं, सो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, जिसका जो हम बात कर रहे थे ये इसका स्टैंडर्डाइजेशन और इवोल्यूशन हमारा छूट चुका था। तो यूनिट 8 सर्जिकल ड्रेसिंग हमारा कंप्लीट हो गया, हॉस्पिटल सप्लाई में IV सेट वगैरह के बारे में, कैथेटर सीरिंज क्या होती है और रेल्स या रिलीज जो ट्यूब होती है वो किस काम आती है। तो थैंक यू बच्चा।